वर्ष की थी तभी से मुझे उसमें एक कवित्री के दर्शन हो रहे थे, क्योंकि जब मैं उसे लोरी सुनाती थी तो वो चांद तारों को देख के मुझसे प्रश्न करती थी कि ये थाली जैसा चंदा क्यों है, तारे सब वहाँ क्या कर रहे हैं। तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये कल्पना भी कर सकती है और उन्हें शब्द भी दे सकती है। तो मेरी बड़ी उम्मीद हो गई थी, और जब ये 6 वर्ष की थी तो मेरी बच्ची ने लिखना शुरू कर दिया। जैसे कलम पकड़ी इसने कविताएं लिखना शुरू करा, पहले छोटी छोटी बच्चों की कविताएं लिखी, और 6 वर्ष की आयु में इसने एक काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ भी किया आगरा क्लब के मंच पर, और वहाँ पर दो ही बाल कवित्रियाँ थीं, एक नेहा और एक सुरीति ठाकुर। सुरीति ठाकुर आज मॉरिशस में झंडे गाड़ रही है हमारे हिंदी के, और नेहा ने ये काव्य संग्रह तैयार किया, तो आज उसका लोकार्पण समारोह है। मैं हृदय से गदगद हूँ, और मेरे को बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि मेरी बच्ची की ये प्रथम काव्य संग्रह सामने आया है, और एक दूसरी की पांडुलिपि तैयार रखी है, शायद अगले वर्ष तक वो भी हमारे यहाँ सामने आ जाए। ये मेरे पहले काव्य संग्रह का लोकार्पण समारोह है, और मैं बहुत उत्साहित हूँ इसे लेकर, और समस्त अतिथिगण जो कि आगरा का मुझे कहना चाहिए पूरा बुद्धिजीवी समाज, उन्होंने यहाँ पर आकर मुझे आशीर्वाद दिया और दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित और आभारी हूँ। किस तरह का संग्रह है ये? संग्रह मेरे दिल की आवाज़ है, मेरे विचार है, और बचपन से लेकर आज तक जो कुछ मैंने सीखा है या महसूस किया उसका एक दर्पण है। इसमें हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, उन हमारी मजबूत जड़ों का जिक्र है। इसमें जिक्र है सपनों का, इसमें जिक्र है नारी का, हमारे आत्मसम्मान का, और ऊहापोह का जो जीवन में हम देखते हैं। बेसिकली ये एक गंभीर किताब है, इसमें सारे ही इसके अंदर, और इसमें आपको मिलेगा अध्यात्म, इसमें अध्यात्म की भी एक झलक मैंने समझने की कोशिश की।